भाग एक, परिचय। एक व्यक्ति जिसने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ व्यावसायिक भागीदारी करने का सोचा। विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं एवं वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। एडविन सी बर्न्स ने ये खोज निकाला कि कैसे विचार शक्ति से धनवान बना जा सकता है। इस खोज में सफलता पहले प्रयास में नहीं हासिल हुई, बल्कि वह धीरे धीरे प्राप्त हुई। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्न्स की उस चाहत से हुई जो उसे महान एडिसन का व्यावसायिक भागीदार बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। बर्न्स की उस इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बात यह थी कि वह स्पष्ट थी कि उसे एडिसन के साथ काम करना है, ना कि एडिसन के दफ्तर में काम करना है। आप बर्न्स की कहानी को ढंग से पढ़िए, उसकी सोच वास्तविकता में कैसे तब्दील हुई, फिर आपको वे 13 नियम बेहतर समझ आएंगे जो आपको दौलतमंद बनाते हैं। जब बर्न्स के मन में ये विचार कौन था, तब वह इस हालत में नहीं था कि वह इस पर कोई कदम उठा सके। उसके रास्ते में दो चुनौतियां थीं। पहली यह कि एडिसन से उसकी कभी मुलाकात हुई नहीं थी, ना ही एडिसन उसे जानता था। दूसरा यह, उसके पास रेल का भाड़ा देने का इतना पैसा नहीं था कि वो ऑरेंज न्यू जर्सी तक पहुंच सके। ये चुनौतियां इतनी पर्याप्त तो थी कि अधिकतर व्यक्तियों के आत्मविश्वास को डगमगा दे और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ दे। परंतु उसके इरादे इतने कमजोर नहीं थे। वह दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा करके ईस्ट ऑरेंज पहुंच गया। उसने एडिसन के प्रयोगशाला में खुद का परिचय दिया और कहा कि वह इस आविष्कारक के साथ व्यवसाय करने आया हुआ है। काफी समय के पश्चात एडिसन ने इस पहली मुलाकात का खुलासा कुछ इस प्रकार किया था। वह मेरे सामने एक सामान्य पर्यटक की तरह खड़ा था, परंतु उसके चेहरे का तेज देखकर यह पता चल गया था कि वह जिस कारण वर्ष यहां आया है उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इतने साल के अनुभव में मुझे यह ज्ञान हो गया था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांप कर उसे एक मौका दिया था, और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बिठा लिया था कि उसे इस सफलता को पाकर ही रहना है। धीरे धीरे उसके कार्यों ने भी यह सिद्ध कर दिया कि मैंने उसे मौका देकर कोई गलती नहीं की थी। उस नौजवान बर्न्स ने उस वक्त एडिसन से क्या कहा, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसने इस बारे में सोचा कि उसे एडिसन के साथ काम करना है। इस बात पर एडिसन ने भी अपनी सहमति जताई थी। अगर विचार शक्ति की यह बात हर पाठक तक पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण किताब पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। बर्न्स अपने पहले ही साक्षात्कार के बाद एडिसन के व्यवसाय में भागीदार नहीं बन गया था, बल्कि उसे एडिसन के ऑफिस में बहुत ही कम मेहनताना में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। यह कार्य ऐसा था जो एडिसन के लिए बहुत कम उपयोगी था, पर बर्न्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण। इस अवसर ने बर्न्स को अपने होने वाले भागीदार को अपनी व्यापार कुशलता दिखाने का मौका दिया था। उसका होने वाला भागीदार वहां उसके काम को परख सकता था। कई महीने बीत चुके थे, पर अप्रोक्ष रूप से ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा था जिससे बर्न्स अपने उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके जो उसने अपने दिलो दिमाग में संजो रखा है। पर उसके मन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चल रही थी जिनका परिणाम बाद में निकला, पर अब तक वह अपने मनोमस्तिष्क में एडिसन का व्यावसायिक पार्टनर बनने के अपने विचार पर और दृढ़ता पूर्वक सोचने लगा था। मनोवैज्ञानिकों ने यह सही कहा है, जब कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वह वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो जाता है। बर्न्स पूर्णता एडिसन के साथ काम करने के लिए तैयार था,
और वह तब तक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लगा रहा जब तक उसने वह हासिल नहीं कर लिया जिसे वह इतने समय से खोज रहा था। उसने कभी इस बात के लिए नहीं विचार किया, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, चलो सेल्समैन की नौकरी आसानी से मिल जाएगी। बल्कि उसने यह विचार किया, मैं यहां एडिसन के साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूं, मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं इस मकसद में जीत नहीं जाता हूं, चाहे बची हुई सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी पड़े। ये सच है कि अगर आप एक उद्देश्य को लेकर पूरी जिंदगी जीते हैं तो आप एक अलग ही कहानी लिख सकते हैं। शायद उस समय बर्न्स को यह बात ना पता रही हो, परंतु उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ता ने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके वह अवसर दिला दिया जिसको वो तलाश कर रहा था। अवसरों की खास बात होती है, ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से भी ये अवसर अवतरित होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अवसरों की यह चालाकी होती है कि वे पिछले दरवाजे से आते हैं और कई दफा तो दुर्भाग्य तथा क्षणिक हार के रूप में भी सामने आते हैं। शायद यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग इन अवसरों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिसन डिस्टॉर्टिंग मशीन था, बाद में उसे एडिफोन के नाम से भी जाना गया। एडिसन के सेल्समैन उस मशीन के लिए अधिक उत्साहित नहीं थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसे बेचने के लिए उन्हें कुछ अधिक ही प्रयास करना पड़ेगा। बर्न्स को इसी मौके की तो तलाश थी, उसने इस अवसर का लाभ उठाया और तुरंत उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। ये वह मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ दो ही लोग उत्साहित थे, एक बर्न्स और दूसरा उस मशीन का आविष्कारक। उसने इतनी सफलता पूर्वक इस मशीन को बेचा कि एडिसन ने बर्न्स को उस मशीन को संपूर्ण देश के बाजार में वितरित करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस व्यवसाय की सफलता ने इसे एक नया स्लोगन दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्न्स। एडिसन ने बनाया और बर्न्स ने लगाया। यह व्यवसायिक संधि इतनी सफल हुई कि इसने बर्न्स को बहुत धनवान बना दिया, पर इससे अधिक उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप चाह लें तो आप भी अमीर बन सकते हैं। असल में बर्न्स ने कितना धन कमाया इसकी सही सही जानकारी तो नहीं है, पर यह अनुमान है कि उस समय उसने 20 से 30 लाख डॉलर कमाए थे। जो भी यह संख्या रही हो, यह उस ज्ञान के सामने फीकी पड़ जाती है जिन नियमों की मदद से बर्न्स ने वो हासिल किया जो वो असल में चाहता था। बर्न्स ने तब ये सोच लिया था कि उसे एडिसन के साथ भागीदारी करनी है, जब उसके पास इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि वह इस विचार को और दृढ़ता के साथ सोचे और इस पर पूरे इरादे के साथ अमल करे जब तक वह इसे हासिल ना कर ले। उसके पास तनिक भी पैसा नहीं था, वह अधिक शिक्षित भी नहीं था, यहां तक कि उसके पास कोई पावर भी नहीं थी, पर उसके पास साहस था, विश्वास था और इच्छा शक्ति थी कि वह जीत सकता है। इन सभी ताकतों के साथ वह उस महानतम आविष्कारक का दायां हाथ बन बैठा। आओ अब उस व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं जिसके पास अमीर बनने के कई अवसर थे, पर उसने अपने लक्ष्य से मात्र 3 फीट की दूरी पर काम करना बंद कर दिया। सोना सिर्फ 3 फीट दूर था। एक अस्थाई हार पर प्रयास करना छोड़ देना असफलता का सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी ना कभी इस गलती का एहसास जरूर होता है। आर यू डर्बी, जो बाद में देश के सफलतम बीमा एजेंट बने, वह अपने अंकल की यह कहानी बताते हैं कि उस समय सोना के पीछे लोग पागल थे। तब उनके अंकल को भी अन्य व्यक्तियों की तरह सोना का भूत सवार हो गया था और वह पश्चिम की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकले।
उन्होंने कभी यह नहीं सुना था कि दिमाग सबसे बड़ा सोना का निर्माता है, न कि जमीन। वह खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक ये मुश्किल था, पर सोना की उनकी भूख निश्चित थी। कई हफ्तों की मजदूरी के बाद उन्हें एक चमचमाता हुआ अयस्क प्राप्त हुआ। उन्हें इस अयस्क को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वह तुरंत अपने घर विलियम्सबर्ग मैरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस सफलता के बारे में समझाया। उनकी बातों ने सबको सम्मोहित कर लिया तथा सभी ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और उस मशीन को खरीद कर उसी खान में भेज दिया। डर्बी और उसके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंच गए। जब उस चमचमाती धातु की पहली खेप गलाने और शुद्धिकरण के लिए भेजी गई, तो उसका परिणाम देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कोलाडो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया कि वह सोना की खान से सोना गायब ही हो गया। वे अवसाद और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्हें उस खान में कहीं सोना दिखा ही नहीं। वह उस सिरा को पाने के लिए कुछ प्रयास किए, पर सफलता हाथ न लगी। अंततः उन्होंने उस मशीन को बेच देने का निर्णय ले लिया। उन्होंने एक कबाड़ी को सिर्फ कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर घर वापस आ गए। सुना होगा कि कुछ कबाड़ी सचमुच बेवकूफ होते हैं, पर वह व्यक्ति उनमें से एक नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक खनन इंजीनियर को उस खान को दिखाने के लिए बुलाया। उसने यह कहकर अनुमान लगाया कि सोना का सिरा सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, जहां से डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। वास्तविकता में हुआ भी वही। वह कबाड़ी उस खान से निकले अयस्क की वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वह जानता था कि किसी कार्य को छोड़ने के पहले किसी विशेषज्ञ का मशवरा लेना जरूरी होता है। उस मशीन की खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका भुगतान डर्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का सारा भुगतान करने में कई वर्ष लग गए थे। इतनी हानि होने के पश्चात वह इस गम से तब निकल पाया जब एक बीमा कंपनी में बीमा एजेंट बन गया और उसे पता लग गया कि इच्छा शक्ति के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वह उस घटना को भूला नहीं था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने असीम दौलत से मात्र 3 फीट की दूरी पर प्रयास करना छोड़ दिया था। डर्बी को उस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उसे पता चल गया था कि किसी की ना का मतलब ना हो ये जरूरी नहीं। उसने अपने कार्य को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था, और उसने यह तय कर लिया था कि उसे कोशिश तब तक करनी है जब तक सोना ना निकल आए, यानी जब तक व्यक्ति हां ना कह दे। सफलता का रास्ता कुछ अस्थाई असफलताओं से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग काम को बीच में ही एक असफलता के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं। लगभग 500 अमेरिका के सफलतम व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सफलता तब मिली जब हार उनके बिल्कुल नजदीक थी। असफलता इस मामले में बहुत चालाक है। वह लोगों के मन भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सफलता बहुत नजदीक होती है। दृढ़ता का 50 सेंट पाठ। हार्ड नॉक्स विश्वविद्यालय में डिग्री लेने के कुछ दिनों बाद मिस्टर डर्बी ने बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें सोना की खान वाले कांड से यह पता लग गया था कि जरूरी नहीं कि ना का अर्थ ना ही हो। एक दोपहर वह अपने अंकल के गेहूं पीसने वाली पुरानी मशीन मिल में बैठे हुए थे। उनके अंकल के पास बहुत जमीन थी, जिसके आसपास उन खेतों के काम करने वाले मजदूर रहा करते थे। डर्बी को बैठे हुए कुछ देर ही हुए थे कि तभी धीरे से दरवाजा खुला और एक मजदूर की छोटी सी बच्ची अंदर घुसाई तथा दरवाजे के ठीक बगल में खड़ी हो गई।
अंकल ने उसकी ओर देखा और बड़ी तेज गुर्राते हुए बोले, तुझे क्या चाहिए? उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मम्मी ने अपने 50 सेंट मंगाए हैं। मैं नहीं दूंगा, अंकल ने चिल्लाते हुए जोड़ा, दफा हो जाओ यहां से। ठीक है, उस लड़की ने जवाब दिया, पर वह कहीं नहीं गई। फिर अंकल अपने काम पर लग गए। काम में इतना तल्लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वह लड़की अभी भी खड़ी थी। कुछ देर बाद जब उन्होंने पलटकर देखा तो उस बच्ची को खड़ा पाया। वह फिर से चिल्लाए, जाती हो यहां से या फिर मैं भगाऊं। उस लड़की ने फिर से जवाब दिया, ठीक है, पर उस जगह से हिली तक नहीं। अंकल अनाज की बोरी को मिल में डालने जा रहे थे, पर उन्होंने उसे रखकर एक लोहे का डंडा उठाया और उसे लेकर ऐसा भयानक चेहरा बनाकर चल दिए जैसे उसे आज मार ही डालेंगे। डर्बी की सांसें रुक गई थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आज अपने सामने एक बच्ची की हत्या देखने जा रहे हैं। उन्हें पता था कि उनके अंकल बड़े गुस्सैल और निर्दयी व्यक्ति हैं। जैसे ही अंकल उस बच्ची के नजदीक पहुंचे, वह लड़की अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाई और अंकल के नजरों से नजरें मिलाते हुए दृढ़तापूर्वक बोली, वह पैसे मेरी मम्मी के हैं, उन्हें दे दो। अंकल वहीं पर रुक गए, उस बच्ची को एक मिनट तक घूरते रहे, फिर धीरे से उस रॉड को नीचे जमीन पर फेंक दिया और अपने जेब में हाथ डालते हुए $0.50 निकालकर उस बच्ची को पकड़ा दिया। उस बच्ची ने वह पैसा लिया और बिना नजर हटाए जाने लगी। उसके जाने के पश्चात अंकल एक बक्सानुमा चबूतरे के ऊपर बैठ गए और खिड़की के आसमान की तरफ 10 मिनट तक निहारते रहे और शायद इस घटना के बारे में सोचते रहे। मिस्टर डर्बी भी यही सोच रहे थे। उन्होंने पहली बार ऐसा देखा था कि खेतों में काम करने वाले किसान की बेटी ने अपने से बहुत बड़े और ऊंचे व्यक्ति का इतने दृढ़तापूर्वक या फिर साहस के साथ सामना किया। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उनके अंकल का सूर्य के समान क्रोध चंद्रमा के समान शांत हो गया था? इस बच्ची के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू था जो उसने इतने बड़े व्यक्ति पर चला दिया? डर्बी का दिमाग इन्हीं प्रश्न के चारों तरफ घूम रहा था, पर उन्हें कोई ठीक ठीक जवाब नहीं मिल रहा था। जानते हो, डर्बी ने उस असामान्य घटना के बारे में लेखक को उसी पुरानी मिल में ले जाकर बताया था, ठीक उसी जगह पर जहां उसके अंकल बैठकर खिड़की के बाहर झांकते हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। हम लोग उसी पुरानी मिल में खड़े थे जो अब किसी काम की नहीं रह गई थी, और डर्बी फिर से उसी को दोहराते हुए प्रश्न कर बैठे, आखिर उस बच्ची के पास ऐसे कौन सी विचित्र शक्ति थी जिसने मेरे अंकल के इरादों को एकदम से बदल दिया? इस प्रश्न का जवाब इसी किताब में एक सिद्धांत के रूप में बताया गया है। इसका जवाब विस्तृत और संपूर्ण देने की कोशिश की गई है। इस सिद्धांत में पूरी जानकारी है जिसको ठीक उस बच्ची की तरह कोई भी व्यक्ति अमल में ला सकता है। अपने दिमाग को चौकन्ना कर लीजिए और यह पढ़ने का प्रयास कीजिए कि आखिर वह कौन सी विचित्र शक्ति थी जिसने उस बच्ची का बचाव किया था। अगले अध्याय में आपको इस असीम शक्ति की एक झलक दिखाई पड़ेगी। किताब में कहीं ना कहीं आपको यह पता लग जाएगा कि इस असीम शक्ति का अपने लाभ और जरूरत के लिए कैसे प्रयोग करना है। इस शक्ति की जानकारी अगले अध्याय में भी हो सकती है या फिर उसके बाद वाले में भी। यह एक अकेले विचार के रूप में भी आ सकता है या फिर किसी प्लान या फिर किसी उद्देश्य के रूप में भी। फिर से आपको अपने भूतकाल में जाना पड़ सकता है, जब आपने कुछ खोया था, आप हताश हुए थे। अब इस शक्ति को जानने के बाद वह वस्तु फिर से हासिल कर सकते हैं जो आपने खोया था। मैंने डर्बी को यह बताया कि उस बच्ची ने बेइरादतन उस शक्ति का इस्तेमाल किया था। तभी श्रीमान डर्बी के मन में उनके 30 वर्ष की सफलतम बीमा एजेंट की राह एक एक कर फिल्म की भांति चल पड़ी। उन्हें यह एहसास हो गया कि बीमा एजेंट के रूप में सफलता किसी कागज पर मिली डिग्री की वजह से नहीं थी, बल्कि वह उस एक अमूल्य पाठ की वजह से थी
जो उस बच्ची से उस दिन उन्होंने सीखा हुआ था। श्रीमान डर्बी ने यह बताया, जब कभी कोई संभावना क्षीण होती नजर आती है या फिर मेरे बीमा करने की संभावना कम हो जाती है, तभी मेरे मन में उस बच्ची का चेहरा याद आता है जो अपने बचाव में टटी रही। फिर मेरा मन खुद कहता है, असल में ना का अर्थ ना नहीं होता। आपको नहीं पता होगा कि मेरे सबसे अधिक बीमा खरीदार वही लोग हैं जिन्होंने पहली दफा ना कहा था। उसने याद किया कि वह सोना प्राप्त करने से मात्र 3 फीट पहले ही रुक गया था, पर उस अनुभव ने उसे सफल होना सिखा दिया। उसने डर्बी को यह सिखा दिया था कि सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता पाने तक प्रयास करते हैं। श्रीमान डर्बी और उनके अंकल, उस मजदूर की बेटी और सोना की खान, ये तीनों कहानियां निस्संदेह हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो जीवन बीमा एजेंट के रूप में अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं। उन सभी के लिए लेखक श्रीमान डर्बी के वे 2 अनुभव बताते हैं जिन्होंने बीमा की वजह से हर वर्ष उन्हें 10 लाख से अधिक डॉलर कमाने की ताकत दी थी। जिंदगी विचित्र है और आसान भी। कभी उतार मिलता है, कभी चढ़ाव, कभी सफलता हाथ लगती है और कभी असफलता, कभी प्रसन्नता मिलती है, कभी निराशा। पर इन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। डर्बी को ही देख लीजिए, 2 वाक्यों ने उनकी जिंदगी बदल दी। असल में उन्होंने उन असफलताओं को ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि उनका अध्ययन किया और उसमें से उन्हें जीवन के कुछ रहस्य मिले। परंतु विडंबना यह है कि कोई असफलता चाहता नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि असफलता के अनुभव से ही सफलता का द्वार खुलता है। कई दफा असफलता की हार को जीत में बदलने का अनुभव देती है। यही सिखाती है कि आखिर बाजीगर कैसे बना जाए। इससे पहले कि हम उन 13 सिद्धांतों की ओर आगे बढ़ें, आपको यह सुझाव बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब लोग अमीर बनना शुरू करते हैं तो वे इतनी तेज गति से आगे बढ़ते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और मन में यह सोचते हैं कि इतने वर्ष यह कहां पर छुपा हुआ था। यह एक चौंकाने वाला कथन लग सकता है, क्योंकि हजारों वर्षों आम जनमानस का यह विश्वास बहुत गहरा रहा है कि पैसा कमाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब आप विचार शक्ति से अमीर बनने के सिद्धांतों को जान लेंगे, तब आप उस मनस्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से अमीर बनने की शुरुआत होती है। जिनके पास भी निश्चित लक्ष्य होते हैं, वे कम या फिर नगण्य मेहनत में ही वह सब हासिल कर लेते हैं। आप और आप में से कई लोग इस बात को जानने के इच्छुक होंगे कि किस तरह से उस मनस्थिति को प्राप्त किया जाए जहां से अमीर बनने की राह की शुरुआत होती है। इसके रिसर्च में मेरी 25 वर्षों की मेहनत है। मैंने लगभग 25,000 लोगों से बात की। आखिर मुझे भी जानकारी चाहिए थी कि इस तरह से व्यक्ति धनी कैसे बनता है। एक बहुत ही जरूरी सत्य बताने जा रहा हूं। 1929 में देश के व्यापार मंदी के दौर की शुरुआत हो गई थी और वह अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। कुछ समय बाद जैसे ही राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और ऑफिस में काम करना प्रारंभ किया, सारा व्यापार फिर से इस तरह से गति पकड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राष्ट्रपति का आना ठीक वैसा ही था जैसे एक मोमबत्ती अंधेरे कमरे में धीरे धीरे उजाला भर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक उसी तरह धीरे धीरे मन के डर को विश्वास में भी बदला जा सकता है। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को जानकर इन्हें अमल करना प्रारंभ करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है और आप ठीक उस व्यक्ति की तरह हो जाएंगे जो किसी भी वस्तु को छूता है तो वह सोना बन जाता है। यह आपको असंभव लग रहा है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। हम मानव जाति की यह कमजोरी है कि एक आम इंसान असंभव शब्द को बहुत तवज्जो देता है।
वह इस बात को पूरी तरह से मन में स्वीकार कर चुका है कि हर सिद्धांत सभी लोगों के लिए लागू नहीं होते, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। यह बुक उन लोगों को जरूर सफल बनाएगी जो इन नियमों पर अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मैंने बचपन में एक शब्दकोश की किताब खरीदी और जानते हो सबसे पहला काम मैंने क्या किया? मैंने असंभव शब्द को उस डिक्शनरी से काट फेंका। ऐसा करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। आप भी अपनी जिंदगी से असंभव शब्द को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान सफलता पर होता है, असफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान असफलता पर होता है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए सहायक होगी जो अपने दिमाग के विचारों को असफलता के डर से हटाकर सफलता की ओर एकाग्र करना चाहते हैं। हम सभी में एक और कमी यह पाई जाती है कि हम अपने अनुभव, अपनी असफलताओं और अपनी आदतों को देखकर किसी के बारे में राय बना लेते हैं। कुछ लोग इस किताब को पढ़ते हुए कह सकते हैं कि अमीर बनने का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वे इस बात को जानते ही नहीं कि अमीर लोगों की मनस्थिति क्या होती है। आखिर उनकी पूरी जिंदगी गरीबी, कंजूसी और असफलताओं में गुजरी है। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की सफलता को मात्र संयोग या फिर भाग्य मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हजार व्यक्तियों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही हेनरी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता होता है, और वे लोग इस तरह की बात कहने की गलती नहीं करते। मैं हेनरी फोर्ड का एक वाक्य बताता हूं जो इस रहस्य को पूर्णतः उद्घाटित कर देगा। जब फोर्ड ने उस प्रसिद्ध V8 मोटर का निर्माण करने के बारे में सोचा था, तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने के लिए तय किया था जिसके एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर हों। यह डिजाइन पेपर पर तो बन गई थी, पर जब इसे प्रैक्टिकल में एक इंजन का रूप देने की बारी आई तो सभी इंजीनियर ने हाथ खड़े कर लिए। उन इंजीनियरों का मानना था कि ब्लॉक में 8 सिलेंडर रखकर यह इंजन नहीं बनाया जा सकता है। फोर्ड ने कहा, किसी भी तरह मुझे यह इंजन चाहिए। यह तो संभव है, एक साथ सभी इंजीनियर्स का जवाब था। आप काम करना शुरू कीजिए, फोर्ड ने आज्ञा दी। चाहे जितना वक्त लग जाए, आप तब तक लगे रहिए जब तक सफलता हाथ न लग जाए। इंजीनियरों ने काम प्रारंभ कर दिया। 6 महीने बीत गए पर कुछ हाथ न लगा। 6 महीने और बीत गए पर अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने हर वो पैंतरा अपना लिया था, पर सफलता उनसे कोसों दूर थी। लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि एक साल बाद भी सफलता कोसों दूर थी, पर अब संभव नहीं रह गई थी। साल के अंत में फोर्ड ने सभी इंजीनियरों को फिर से बुलाया और कार्य पर प्रगति पूछा। इस बार फिर से सभी इंजीनियरों ने एक साथ जवाब दिया, हमें प्रोजेक्ट को जारी रखने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जाइए, फिर से काम पे लग जाइए, फोर्ड ने आज्ञा दी। हर हाल में मुझे यह इंजन चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप इसमें सफल हो जाएंगे। वे फिर से काम में लग गए। अब जादू चल गया था, क्योंकि फोर्ड ने इस रहस्य को पहचाना था। आखिर फोर्ड की दृढ़ता एक बार फिर से जीत गई। फोर्ड ने सिद्ध किया कि असंभव और दृढ़ता में जीत दृढ़ निश्चय की ही होती है। अब आपको भी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता चल गया है। अब आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हेनरी फोर्ड इसलिए सफल हैं कि उन्होंने सफलता के सिद्धांतों को समझा और उनको अमल में लाया। उनमें से एक है किसी वस्तु को पाने की इच्छा। अगर आप फोर्ड की कहानी पढ़कर उन सिद्धांतों को अमल में लाते हैं, तो आप भी उसी सफलतम पायदान पर पहुंच सकते हैं जहां पर फोर्ड ने अपना झंडा गाड़ा था। हेनरी फोर्ड का 20वीं सदी के अंत में ठीक वही स्थान है जो इस समय बिल गेट्स का। फोर्ड ने उस समय ऐसे कार बनाकर परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला दी जिससे हर किसी के पास
अपनी खुद की कार हो। ठीक वही क्रांति बिल गेट्स ने भी तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डिजाइन करके फैलाई है। अब कंप्यूटर सिर्फ तकनीकी से जुड़े व्यक्तियों के लिए नहीं रह गया, अब यह हर किसी की ऑफिस में जरूरत हो गया है, विद्यालयों में भी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सबके घरों में अपने अपने निजी लैपटॉप या कंप्यूटर हो गए हैं। ठीक हेनरी फोर्ड की तरह बिल गेट्स ने भी तो करोड़ों डॉलर की संपत्ति कमाई है। उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शुरुआत मात्र 13 वर्ष की उम्र से ही प्रारंभ कर दी थी। 1973 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और स्टीव बलमेर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं, के साथ एक कमरे में रहते थे। हार्वर्ड में पढ़ते हुए बिल गेट्स ने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक की खोज की। गेट्स इस तरह से अपने सपनों को पूरा करने में लग गए कि उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को छोड़ दिया। अब वह पूरी ऊर्जा अपने सपनों को पूरा करने में लगाने लगे। इससे कुछ समय पहले ही उनके बचपन के मित्र पॉल एलन के साथ उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। इस माइक्रोसॉफ्ट ने उनके सपनों में पहिए लगाए। उनका मानना था कि कंप्यूटर हर ऑफिस, हर स्कूल और हर घर की जरूरत बन सकती है। उनका यही निश्चित उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का मुख्य कारण बना। अपना सबसे मुख्य लक्ष्य हासिल करने के बाद बिल गेट्स रुके नहीं, वे लगातार कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में सुधार प्रति सुधार करते रहे। सबसे खास बात कि उन्होंने सिर्फ प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में ही काम नहीं किया, बल्कि वे विश्व की सबसे बड़ी दान पुण्य की संस्था भी चलाते हैं, जिसमें उनकी सहायक उनकी पत्नी मिलिंडा है। आप अपने भाग्य के विधाता हो और अपने मन के राजा। जब अंग्रेजी कवि W.C. हेनले ने लिखा था, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूं और अपने मन का राजा, उन्हें उसी समय हमें यह कहकर बताना चाहिए था कि हम ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और अपने मन का संचालन, क्योंकि हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि यह व्योम, पृथ्वी, चंद्रमा और इस पृथ्वी में रह रहे जीव जंतु या फिर चल रहे हम लोग, सभी वस्तुएं ऊर्जा है जो सबसे बड़ी ऊर्जा क्षेत्र से बंधी हुई है, जिसे हम असीम शक्ति कह सकते हैं। वह असीम शक्ति हमारे दिमाग में चल रहे विचारों से प्रभावित होता है और जो हम सोचते हैं उसे हमारी जिंदगी में वास्तविक रूप में अवतरित करता है। अगर कवि ने इस सत्य का ज्ञान उस समय करा दिया होता तो हमें पता चल जाता कि हम अपने भाग्य के विधाता और मन के राजा क्यों हैं। उन्हें यह जोर देकर बताना चाहिए था कि ब्रह्मांड की असीम शक्ति इस बात को नहीं जानती कि आप जो सोच रहे हैं वह अच्छा है या बुरा। वह उन विचार को वास्तविकता में लाती है जो आप सोच रहे हैं। इससे उसे कोई लेना देना नहीं है कि वह आपके लिए बुरे हैं या अच्छे। उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि हमारे मन में जब कोई विचार हावी हो जाता है तो वह एक चुंबक के भांति काम करने लगता है और अपने से समान परिस्थितियों, व्यक्तियों और वस्तुओं को अपनी ओर चुंबक की भांति आकर्षित करता है। उन्हें बताना चाहिए था कि इससे पहले कि हम अमीर बने, हमारे मन को चुंबक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यह तभी संभव है जब हमारे मन में अमीर बनने का विचार पूरी तरह से हावी हो जाए और हमारा मन सिर्फ अमीर बनने के बारे में सोचने लगे, तभी हमारे निश्चित प्लान सफल हो पाएंगे। जैसा कि हेनली कवि थे ना कि दार्शनिक, इस वजह से वह अपनी बात को सिर्फ कविता के अंदाज में ही कह पाए। उनका अनुसरण करने वाले कुछ समझ पाए और कुछ नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस अटल सत्य में से पर्दा उठने लगा। इस पुस्तक में इन्हीं सब सिद्धांतों का वर्णन है।
स्टीवन स्पिलबर्ग एक अन्य व्यक्ति जिन्होंने हम अपने भाग्य के विधाता हैं उद्धरण को सही सिद्ध करके एक नई मिसाल दी, जो चलचित्र फिल्मों के सर्वकालिक महान निर्देशक साबित हुए। उन्होंने बचपन से ही फिल्म निर्देशन करने का सपना संजो लिया था। एक खास बात यह थी कि उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया और बचपन से ही एक पुराने कैमरा से शौकिया तौर पे फिल्में बनाने लगे। स्पिलबर्ग को यूनिवर्सल स्टूडियो की तरफ से मौका किस तरह मिला, इसकी भी बड़ी विचित्र कहानी है। एक गाड़ी में बैठाकर आगंतुकों को यूनिवर्सल स्टूडियो का पूरा चक्कर घुमाया जाता था। स्पिलबर्ग उसी गाड़ी में छुपकर दो साउंड के बीच में बैठ जाते थे और पूरा चक्कर लगाकर वापस आते थे। जब वह वापस गेट के पास आ जाते तो उनकी यह आदत थी कि पहरेदार से दो चार गप्पे जरूर लड़ा लिया करते थे। दिन प्रतिदिन बीतता गया और वह लगातार 3 महीनों तक स्टूडियो जाते रहे। जाते समय पहरेदार से हाथ हिलाकर सलाम करते और वापस आते समय हाथ हिलाकर विदा हो जाते थे। वह हमेशा एक कोट पहनते थे और हाथ में एक सूटकेस लिए हुए होते थे, जिससे पहरेदारों को यह महसूस हो गया कि वह गर्मियों की क्लास लेने वाला छात्र है। अब तक उन्होंने कुछ निर्देशकों, लेखकों और संपादकों से व्यवहार भी बना लिया था। यहां तक कि उस बिल्डिंग में एक खाली कमरा मिलने पर उन्होंने अपना नाम चस्पा कर दिया था और वहां पर बैठने लगे थे। इसी तरह से एक दिन उनकी वहां के उस समय के प्रोडक्शन हेड सिड शिमबर्ग से मुलाकात हो गई। उन्होंने शिमबर्ग को कॉलेज के टाइम पर बनाई हुई फिल्म दिखाई। शिमबर्ग उस फिल्म को देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उस नौजवान को स्टूडियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उनकी पहली फिल्म द स्विट्जरलैंड एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर अधिक व्यवसाय तो नहीं किया, पर इसे आलोचकों का बहुत प्यार मिला। यहां तक कि कांस फिल्म समारोह में इस फिल्म को कई पुरस्कार भी मिले। उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब कहीं से उन्हें जॉज पुस्तक प्राप्त हो गई। स्टूडियो उस पर फिल्म बनाने को तैयार था और उसके लिए उन्हें एक बेहतरीन निर्देशक भी मिल गया था। स्पिलबर्ग इस फिल्म को खुद बनाना चाहते थे, इसके लिए प्रतिबद्ध थे, जबकि उनकी पिछली फिल्म द स्विट्जरलैंड एक्सप्रेस ने कोई खास व्यवसाय नहीं किया था। उनका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं था। उन्होंने प्रोड्यूसर से अपनी बात रखी और उस निर्देशक को हटाकर उन्हें फिल्म देने की मांग कर दी। यह कोई आसान काम नहीं था, प्रारंभ से ही कुछ कठिनाइयां थी, प्रोडक्शन कंगाली के दौर से गुजर रहा था। खैर, जब 1975 में जॉज रिलीज हुई तो इसे दोहरी सफलता प्राप्त हुई। इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और आलोचकों का बहुत प्यार पाया। रिलीज होने के एक महीने में ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 10 करोड़ डॉलर की कमाई कर डाली थी, जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। उसके बाद स्पिलबर्ग ने कई फिल्मों का निर्देशन किया, उनमें इंडियाना जोन्स सीरीज, पुरस्कृत द कलर पर्पल और एम्पायर ऑफ द सन शामिल है। कुछ समय पश्चात स्पिलबर्ग ने जुरासिक पार्क नामक फिल्म निर्देशित की, जो उस समय के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म थी। यह स्पिलबर्ग की तीसरी फिल्म थी जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। इसने करोड़ डॉलर से अधिक की कमाई की थी। स्पिलबर्ग यही नहीं रुके, वे अपने सपनों को लगातार पूरा करने की तरफ बढ़ते गए। जब वह और दो हॉलीवुड मुगलों ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया जिसका नाम ड्रीम वर्क्स था। यह तो थी स्पिलबर्ग की कहानी। अब हम सबसे पहले सिद्धांत को पढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं। अपना दिमाग खुला रखिए। आपको याद रहे कि यह सिद्धांत किसी एक व्यक्ति की जिंदगी से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि 500 ऐसे अमीरों के अनुभवों से बनाए गए हैं जो गरीबी में पले बड़े और जिन्हें अधिक शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो पाई, फिर भी उन्होंने विश्व में अपना परचम फहराया।
ये नियम बहुत कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें पता है कि आप अमल में ला सकते हैं। इससे पहले कि हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ें, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें दो ऐसे लोगों की जिंदगियों की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े विस्मयकारी बदलाव लाए। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूं कि ये दोनों व्यक्ति मुझसे काफी करीब हैं। एक मेरा ऐसा करीबी दोस्त है जिसे मैं 25 सालों से जानता हूं और दूसरा मेरा बेटा है। इन दो व्यक्तियों की अचंभित कर देने वाली सफलता में अगले चैप्टर में बताए गए सिद्धांत का बड़ा योगदान रहा है।